दीपक चोपड़ा की द सेवन स्पिरिचुअल लॉज ऑफ सक्सेस उन लोगों के लिए एक एक्सलेंट किताब है जो स्पिरिचुअल गेन के साथ साथ सफलता चाहते हैं एफेटलेस पावर और सरलता के साथ द सेवन स्पिरिचुअल लॉज ऑफ सक्सेस कंटेम्पररी सेल्फ हेल्प लेखन का एक सुप्रीम एग्जाम्पल है हो सकता है कि सफलता और समृद्धि पर जोर देना कुछ लोगों को ज्यादा स्पिरिचुअल न लगे लेकिन यह इस किताब का सार है यहाँ और भी तरीके हैं जिससे आप सफलता के स्पिरिचुअल नियमों को इस्तेमाल करने के बारे में सीखते हैं और जो आप चाहते हैं वैसी लाइफ अट्रैक्ट करते हैं और ये स्टार्ट करने का अच्छा स्थान है अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए चलिए शुरू करते हैं और मौन के माध्यम से पहुंच सकते हैं लेकिन हमें जजमेंट को छोड़ना होगा और प्रकृति को सराहना होगा जब आपको फील्ड पता लग जाएगी तो आप इससे पीछे हट सकते हो और स्थितियां भावनाएं लोग और चीजों से स्वतंत्र हो सकते हो सारी वेल्थ और क्रिएटिविटी इस फील्ड से बाहर निकल जाती है क्या कभी आप नेचर में अकेले रहे हैं या डीप साइलेंस जैसे एक पल का एक्सपीरियंस किया है अगर ऐसा है तो आपको यूनिवर्स के साथ शांति और कनेक्टेड की भावना महसूस हो सकती है यह इस तरीके का शांतिपूर्ण पीसफुल क्षण होता है जिसमें आप खुद का ट्रू सेल्फ ढूंढ सकते हैं और अपनी क्षमता को समझकर अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं देने गिव का नियम कभी आपने ये नोटिस किया है कि जितना आप देते हैं उतना आपको रिसीव होता है ऑथर कहते हैं कि ऐसा होता है क्योंकि हमारा माइंड और हमारी बॉडी लगातार देने के मोड में रहती है और यूनिवर्स से रिसीव करती है अगर आप दे रहे हैं तो खुशी से देना चाहिए अगर आप ब्लेस्ड होना चाहते हैं तो आप साइलेंटली अपने सकारात्मक विचारों से लोगों को आशीर्वाद दें अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप सर्विस प्रदान करें हम देने में कभी भी सीमित नहीं हो सकते क्योंकि इंसान का सच्चा स्वभाव ही अबंडेंस है नेचर हमें सिर्फ जो चीज़ प्रोवाइड करता है जिसकी हमें जरूरत है और प्योर पोटेंशियल की स्टेट हमें इंटेलिजेंस और ज़्यादा प्रोड्यूस करने की क्रिएटिविटी प्रोवाइड करती है कॉज एंड इफेक्ट हम सबको इस स्लोगन के बारे में पता है जैसे जस्ट डू इट लिव द मोमेंट ये हमें बताते हैं कि अफसरों अपॉर्चुनिटीज़ को पकड़ लेना चाहिए लेकिन रियल में जीवन का असली फायदा उठाने के लिए ये कंसिडर करना जरूरी है कि डिसीजन करते समय सबसे बेनिफिशियल चॉइस क्या है इसका मतलब है अपने चॉइस मेकिंग के बारे में जागरूक होना आखिरकार हम हर समय चॉइस करते हैं कई बार बिना जाने ही हम ऐसा कर रहे हैं असल में हमारी ज्यादातर चॉइस अनकॉन्शियस होती है उदाहरण के लिए जब आप शॉपिंग करते हैं तो आप बहुत सारा जंक फूड लेते हैं बिना ये सोचे कि वो आपकी सेहत और पर्यावरण को अफेक्ट करता है और दुर्भाग्य से ये हमारा अनकॉन्शियस व्यवहार स्वाभाविक रूप से आता है सबसे कम प्रयासों का नियम शुक्र है कि इरिटेशन का सल्यूशन है आप अपनी वर्तमान स्थिति को सरल तरीके से स्वीकार कर सकते हैं उदाहरण के लिए आप एक ऐसे रूममेट के साथ हो जो बहुत डिफिकल्ट है वो कभी सफाई नहीं करता और जब भी जगह गंदी होती है तो आपसे गुस्सा होता है ये बहुत ट्रिकी सिचुएशन है एक तो आप रूम चेंज करने का सोच सकते हैं लेकिन ऐसा करने में समय और पैसा लगेगा तो इस मुद्दे को हल करने का सबसे बेस्ट सोल्यूशन क्या है इरादे और इच्छाओं का नियम ये नियम सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स है और सबसे ज्यादा पावरफुल अट्रैक्टिव और मिस्टीरियस भी है लेखक बताते हैं कि पेड़ का एक ही सिंगल पर्पस है रूट्स को बिछाना ग्रो करना फोटोसिंथेसिस करना ह्यूमन नर्वस सिस्टम की इंटेलिजेंस भी वास्तव में माइंड को शेप करती है और नेचर के लो डिजायर्स को अचीव करने में मदद करता है ये अटेंशन और इरादे इंटेंशन के प्रोसेस के जरिए होता है डिटैचमेंट का नियम वैसे आपके पास इंटेंशन हो सकती है आपको उसके क्लियर होने से पहले उससे अपनी अटैचमेंट को खत्म करना चाहिए हमारा एक पॉइंट पर फोकस हो सकता है लेकिन अगर एक स्पेसिफिक रिजल्ट से अटैच हो गए हैं तो वो चीज पूरा ना होने की संभावना पर डर और असुरक्षा का कारण हो सकता है लेखक का मानना है कि डिटैचमेंट की वजह से ही कोई भी इंसान खुश हो सकता है फिर आप वेल्थ के सिंबल को तुरंत और एफिटलेस क्रिएट करते हैं डिटैचमेंट के बिना हम आशाहीन असहाय सामाजिक जरूरतें महत्वहीन चीजों के अवसाद डिप्रेशन और गंभीरता के बंदी बन जाते हैं धर्म का नियम सभी इंसान शाइन करना चाहते हैं लेकिन जैसे हर एक स्टार का नाइट स्काई में अपना सही जगह होता है वैसे ही हर इंसान को धरती पर अपना सही जगह ढूंढना चाहिए इस चीज को करने से और दूसरों को उनकी सही जगह खोजने में मदद करने से लोग विकसित होंगे और उनकी जिंदगी में मकसद पर्पस होगा तो ये ना पूछे कि यूनिवर्स आपके लिए क्या कर सकता है लेकिन आप यूनिवर्स के लिए क्या कर सकते हैं ये पूछे मान लीजिए आपका हमेशा से आर्टिस्ट बनने का सपना था वैसे ये एक बहुत अच्छा प्रोफेशन है और आप ऐसे स्पेशल तरह के टैलेंट को एडमायर करते हैं जो आर्ट क्रिएट करता है लोगों को इंस्पायर करता है और उन्हें खुश करता है और इंटेलिजेंट बनाता है लेकिन सच ये है कि सभी आर्टिस्टिकली टैलेंटेड नहीं होते और अगर आपके साथ ऐसा है तो आप उदास या डिप्रेस हो सकते हैं और ये फीलिंग भी आ सकती है कि आपने सोसाइटी के लिए कुछ भी योगदान कॉन्ट्रीब्यूट नहीं किया है आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस YouTube चैनल रिच को सब्सक्राइब करिए वीडियो को लाइक करिए और अपने परिवार मित्रों के साथ जरूर शेयर करिए भविष्य में आप और किस टॉपिक पर वीडियो देखना सुनना चाहते हैं उसके लिए कमेंट करिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू